निलंबन वापसी पर 8 विपक्षी दलों ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की, लेकिन वेंकैया नायडू ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया और सांसदों के निलंबन को नियमों के मुताबिक बताया और माफी की बात दोहराई। सांसदों के निलंबन पर राहुल गांधी ने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता, विपक्ष हमेशा जनता की आवाज को उठाता है। वहीं इस मसले पर विपक्षी दलों ने आज संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को सरकार की तानाशाही बताया। यूपी में किसान आंदोलन का डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब बीजेपी ने ट्रैक्टर रैलियों का सहारा लिया है। आज हापुड़ में बीजेपी किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। हापुड़ में भी नई मंडी से लेकर बीजेपी के जिला कार्यालय तक किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर्स की परेड निकाली गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने का राग अलापा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति लानी है तो अनुच्छेद 370 को बहाल करना ही होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर विवादों में है। भाषा विज्ञान के PhD के छात्र ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की तारीफ करने पर MU भाषा विज्ञान की डिग्री वापस कर नई डिग्री देने की बात कर रहा है। MU प्रशासन के मुताबिक ये ह्यूमन एरर है, विभाग से लिखने में गलती हो गई। पुरोहितों के आंदोलन के बाद आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। इस बोर्ड की स्थापना त्रिवेंद्र सरकार के वक्त में हुई थी। CM पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम वापस लिया गया है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में पाकिस्तानी मॉडल स्वाला लाला ने विवादित फोटो शूट करने पर माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पर सॉरी लिखा है। सिख समुदाय ने सिर को बिना ढके फोटो शूट करने पर आलोचना की थी, जिसके बाद पाक मॉडल ट्रोल हो गई थी। इजराइल के विध्वंसक हेरान ड्रोन की नई खेप भारतीय सेना ने रिसीव कर ली है। भारतीय सेना ने इसकी तैनाती पूर्वी लद्दाख में LSE पर भी करना शुरू कर दिया है। 70 किलोमीटर दूर से भी ये दुश्मनों के टारगेट को तबाह कर सकता है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस है। तमिलनाडु में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल है। रामेश्वरम द्वीप पर कई जगहों पर जलभराव है, जिसके चलते लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। केरल में भी बारिश से हालात बदतर हैं। केरल के 60 सालों में सबसे ज्यादा बर्बादी देखने को मिली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।